जब दोस्तों रूम से ऐसा व्यू हो तो आदमी को और क्या ही चाहिए। तो दोस्तों बहुत टाइम से आपकी तरफ से डिमांड थी कि यार कोई ऐसी प्लेस लेके आओ जिसमें मैं अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ और अपने घर वालों के साथ जा सकूं। कोई जयपुर में ऐसे रिसॉर्ट की वीडियो बनाएगी जहां पे फन एक्टिविटीज भी पूरी हो सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो एक रिसॉर्ट है जयपुर में जिसका नाम है टिम्बर गार्डन रिसॉर्ट। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बात करने वाला हूँ कि आप कैसे पहुंच सकते हैं और कैसे यहाँ तक आ सकते हैं और कौन कौन सी एक्टिविटीज यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। नमस्कार, श्री श्रीकाल खमागणी, मैं हूँ आपका दोस्त मिस्टर जयपुर। जी हाँ, लेके आ चुका हूँ नई यूट्यूब वीडियो जिसमें मैं आपको आज टिम्बर गार्डन जो रिसॉर्ट है उसके बारे में मैं आपको पूरा एक्सप्लोर करके बताने वाला हूँ। आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको जो टिम्बर गार्डन रिसॉर्ट है कहाँ पर है, कैसे आप यहाँ आ सकते हैं और कैसे इसकी एंट्री है और क्या क्या इसमें चीज़ें इंक्लूड है। स्विमिंग पूल है, बहुत फन एक्टिविटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है भाई, वीडियो को करना है सबसे पहले लाइक, वीडियो को करना है शेयर ताकि जयपुर के बारे में अनएक्सप्लोर प्लेसेस की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलती रहे। तो दोस्तों देर किस बात की, चलिए चलते हैं, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और मैं आज आपको पूरा इसका व्यू है, जो पूरा एंट्रेंस है, जो भी एक्टिविटीज़ यहाँ पर है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पर प्लान की गई है, सारी वीडियो सारी जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। आप दिखा सकते हैं पीछे, अभी हम हमारा वीडियो स्टार्ट करने वाले। तो दोस्तों देर किस बात की, चलिए चलते हैं। अगर एड्रेस के बारे में बात करूं तो आप जो है ये जयसिंहपुरा भांक रोटा में स्थित है और लगभग मैं आपको एक डेस्टिनेशन से बता देता हूं कि जो रिद्धि सिद्धि है जयपुर में, वहां से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर जो टिम्बर गार्डन रिसॉर्ट है वो स्थित है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना अच्छा है, इसका जो है टेंट वगैरह का सेटअप भी यहाँ पर इन लोगों ने लगाया हुआ है और मैं आपको आगे आने वाले सीन में सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ। तो बस आपको क्या करना है, वीडियो में लास्ट तक आपको बने रहना है। तो दोस्तों यदि आप जयपुर में टेंट का सेटअप भी ढूंढ रहे हैं कि जो टेंट वाले जो रिसॉर्ट होते हैं या तो आपको पुष्कर में मिलते हैं, जयपुर से बाहर मिलते हैं, बट जो टिम्बर गार्डन रिसॉर्ट है उसमें आपको ये फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाती है। मोरक्को टेंट की यहाँ पे फैसिलिटी आपको दे रखी है और मैं आपको पीछे डाल के बताता हूँ, आइए मेरे साथ। देख सकते हैं यहाँ पे आपको गार्डन एरिया भी मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको ये यहाँ पे जो टेंट रूम है, टेंट रूम की फैसिलिटी भी जो टिम्बर गार्डन रिसॉर्ट में दे रखी है। आप काफ़ी सारे टेंट हैं यहाँ पे लगाए गए हैं, अलग अलग टेंट की देखिए, आप देख सकते हैं अलग अलग अपना पर्सनल स्पेस भी यहाँ पर अवेलेबल। तो आप देख सकते हैं ये इनका स्विस टेंट है और जो लास्ट में मैंने आपको बताया वो देखिए, वो जो लास्ट में है वो है मोरक्को टेंट वो है, और जो विला है वो इस साइड में विला है और ग्रीक टेंट उस साइड जो मैंने अभी तो फ्रंट इनका जो है फ्रंट साइड से भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए ऐसे दिखते हैं ये देखिए आप, ये एक एक टेंट बना हुआ है और पूरा। तो आपको यहाँ पे फन एक्टिविटीज़ के तौर पे एक शूटिंग रेंज मिलता है और एक बोतल फोड़ने वाला सिस्टम भी मिलता है जिसे आप बंदूक से निशाना लगा के तोड़ सकते हैं। देखो अभी हम चलने वाले हैं अपने जो एक्टिविटी करने इसके ऊपर, देखिए हम यहाँ से चढ़ेंगे और चढ़ते चढ़ते हम दूसरी तरफ हमको पहुँचना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये मैं ऊपर आ चुका हूँ और हमको ये हर्डल पार करके उधर की तरफ जाना है और एक ये हर्डल यहाँ पर है तो हम दोनों को पार करेंगे। तो पहले मैं इसको पार करके वहां पहुंचता हूं, जितने में कैमरा मैन मेरे पीछे पीछे वहां तक आएगा। तो दोस्तों अभी मैं जाने वाला हूं, मेरे को इस पार से उस पार पहुंचना, डर बहुत लग रखा है। केबल हमने नहीं बांध रखी क्योंकि केबल बांधने वाला यहां पे नहीं है तो हमको बिना केबल के ही वहां पे जाना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है आगे। भाई धीरे धीरे यहाँ पे आना पड़ेगा क्योंकि बहुत ये हिल रहा है। ये देखिए आप, ये देखिए, ये जितना सिंपल देखने में लग रहा है उतना सिंपल बिल्कुल भी नहीं है, पर हमको ये पार करना ही पड़ेगा। देखिए ये देखिए आप, बस चलते जाना है, रुकना नहीं है और एक अपना मूवमेंट बना के रखना है ताकि हम नीचे ना गिरे, क्योंकि नीचे गिर गए तो भैया पूरा ही नीचे गिरेंगे यहाँ से, देख लिए। क्योंकि अगर ऊपर यहाँ से बेल्ट बंदी होती ना तो हमको कोई परेशानी नहीं थी, हम इसको पकड़ के भी चल सकते हैं। चलो ऊपर वाले को पकड़ के हम चल रहे हैं, बस हम पहुँचने वाले हैं हमारी मंजिल तक और आपको मैं आगे जाके जो व्यू दिखाने वाला हूँ वो भी बहुत ही बढ़िया होने वाला है। देखिए इतना कठिन नहीं था दिखने में जितना लग रहा था,
तो दोस्तों मैं तो पहुंच चुका हूं और अभी हमारा कैमरामैन पीछे रह गया, यहां तक मैं पहुंच चुका हूं और अब हमको यहां से जाके और आगे तक जाना है। तो दूसरा पड़ाव अभी हमारा शुरू हो चुका है और अभी हमको यहां क्रॉस करके उस तरफ पहुंचना है। देखिए आप, और देखिए अभी हम चल रहे हैं और डर तो काफ़ी लग रहा है क्योंकि अभी हमारे पास सेफ्टी जो बेल्ट है वो नहीं बंधी हुई है, तो थोड़ा सा डर भी लग रहा है, पर कर लेंगे। देखिए अभी यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, ये देखिए, और यहाँ पे ये पूल साइड का एरिया यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए ये देखिए आप, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए अभी हम पहुँच चुके हैं और ये हमारे कैमरामैन पीछे आ रहे हैं, अशोक जी। दोस्तों अभी मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ का जो टेंट रूम है कि अंदर से कैसा दिखता है और क्या क्या फैसिलिटीज टेंट रूम के अंदर है, कि अंदर से कैसा इंटीरियर और क्या क्या चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाएगी। अभी हम देखिए T303 में जाने वाले हैं और मैं आपको अंदर जाके बताने वाला हूँ। आप देखिए, आइए आ जाइए। तो दोस्तों आ जाइए अंदर, मैं आपको बताता हूँ कि कितना सुंदर रूम है, कितना देखिए यहाँ पे बेड, देखिए कितना अच्छा बेड, एकदम विंटेज लुक दे रहा है ये बेड देखिए। और यहाँ पे आपको देखिए कितना बड़ा ये फैमिली के हिसाब से जो है ये टेंट है, फैमिली के हिसाब से है कि अगर फैमिली में 3-4 जने 5-6 जने आते हैं तो यहाँ पे आराम से उनका जो ठहरने की व्यवस्था है वो बहुत ही बढ़िया की गई। आप आगे आ जाइए देखिए, और ये एक और बेड है इस रूम में, ये चेयर्स वगैरह, किचन की फैसिलिटी भी इसमें अवेलेबल है। आइए आप देखिए, और बाहर का नज़ारा आप देखेंगे तो बहुत ही गजब नज़ारा यहाँ से आपको दिखता है। देखिए मेरे को दीजिए एक बार, मैं आपको दिखाता हूँ देखिए बाहर का नज़ारा यहाँ से। ये देखिए आप बाहर का नज़ारा, देखिए यहाँ से आप कितना सुंदर, यहाँ से जो व्यू आ रहा है वो व्यू आपको अंदर से आ रहा है। देखिए आते हैं या कुछ भी आप छोटा मोटा सामान बनाना चाहते हैं तो ये आपको यहाँ पर किचन मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको वॉशरूम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये वॉशरूम है और ये देखिए बाथ टब की फैसिलिटी भी यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। देखिए आप देख सकते हैं, और ये देखिए ये पूरा जो रूम टूर है वो मैंने आपको दिया है और काफ़ी बढ़िया मुझे लगा है क्योंकि जयपुर में ऐसी जगह मिलना बहुत ही मुश्किल होती है। लोग बाग फिराक में रहते कि काश हमको कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ हम ऑफिस के लोगों के साथ या दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ आउटिंग कर सके। तो आपको देखिए यहाँ पर सबसे अच्छी लगी रूम के अंदर से जो ये व्यू दिखता है, आप ये व्यू एंजॉय कर सकते हैं। देखिए कितना प्यारा व्यू यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है। मैं जो है वो सबसे मेन पार्ट आपको दिखाने वाला हूँ, जिस जो हर कोई आने के लिए बेताब रहता है, जो है स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल का एरिया भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आइए आ जाइए। थोड़ा सा डिज़ाइन मेरे को थोड़ा सा डिफरेंट लगा यहाँ का, और मैं आपको बता देता हूँ कि कैसा डिज़ाइन यहाँ पे स्विमिंग पूल का इन्होंने कर रखा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि दो पार्ट में स्विमिंग पूल है, एक ये मिनी स्विमिंग पूल है जो शायद बच्चों के लिए बनाया गया है, और जो आगे वाला स्विमिंग पूल है वो शायद अडल्ट के लिए बनाया गया। आप इधर से भी दिखा सकते हैं, आइए देख सकते हैं आप इधर से, धीरे धीरे आ जाइए, आप फिसल मत जाना। तो अभी मैं जो एंटर कर रहा हूँ ग्रीक टेंट के जो रूम है उसके अंदर मैं एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पे जो स्पेशल बात है, कलर कॉम्बिनेशन का बहुत ध्यान रखा गया है। देखिए वैसे ही कलर किया गया ताकि आपको उसकी वाइब आ सके। ये देखिए ये ग्रीक रूम है, उसके अंदर का टेंट का जो रूम है, ये देखिए आप, ये टेंट है और ये अंदर का इंटीरियर है, ये वॉशरूम है।
और यहाँ से सबसे बेस्ट सीन मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए सीधा पूल व्यू दिखता है इस रूम। जब दोस्तों रूम से ऐसा व्यू हो तो आदमी को और क्या ही चाहिए। देखिए कितना सुंदर व्यू है यहाँ से, ये देख सकते हैं जो ग्रीक थीम पे जो टेंट बने हुए हैं उनका आप देखिए, बिल्कुल जो विंडो साइड है, जो बेड के बैक साइड है, वो पूरा आपको मॉर्निंग में भी बहुत अच्छा यहाँ से व्यू होता है। और सनराइज और सनसेट का भी देखिए कितना शानदार व्यू यहाँ से आपको आ रहा है। तो दोस्तों आपको अगर कोई भी क्वेरी रहती है टिम्बर गार्डन रिसोर्ट के लिए, तो आप अफजल जी यहाँ के मैनेजर हैं, आप यहाँ से कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। तो अफजल जी आप कोई भी क्वेरी होती तो आप रिजोल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे सर? ठीक है, तो मैं इनका भी नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और स्क्रीन पे भी आपको नंबर शो हो जाएगा। तो ये अफजल जी आपको मिलेंगे जो यहाँ के टिम्बर गार्डन रिसोर्ट के मैनेजर है। तो दोस्तों अब मैं आपको प्राइसेस के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे चार तरीके की टेंट है, स्विस टेंट है जो अभी मेरे पीछे आप देख रहे हैं, स्विस टेंट है, ग्रीक टेंट है वो मैंने आपको बताया, मोरक्को टेंट है और विला रूम है। स्विस टेंट जो है अगर आप यहाँ पे रेंट पर लेते हैं तो आपको 3500 यानी 3500 का रहेगा। इसमें रहेगा विथ ब्रेकफास्ट एंड ऑल अदर एक्टिविटीज़ लाइक पूल हो गया और भी जो इनके एक्टिविटीज़ रहती है वो सारी इसमें रहती है। ग्रीक टेंट का जो प्राइस है 4000 रुपये है और मोरक्को टेंट का जो है 5000 रुपये है और विला रूम है वो 3000 रुपये का है और इन सब में विद ब्रेकफास्ट है ये और जो एक्टिविटीज़ है वो भी इसमें ऐड है। अब आ जाते हैं अगर डे आउट, जैसे कि अगर आपको 4 से 5 घंटे यहाँ पे रूम बुक करना है तो उसका चार्ज है 2000 रुपये, इसमें भी ये विद ब्रेकफास्ट और ऑल अदर एक्टिविटीज़ आ जाती है। अगर आपको 4 से 5 घंटे एंजॉय करने के लिए, मतलब कि आप यहाँ पे स्टे भी करना चाहते हैं और एक्टिविटीज़ भी एंजॉय करना चाहते हैं तो उसका चार्ज है 2000 रुपये। और अगर नॉर्मल डे आउट करना है कि मतलब कि यहाँ पर आना है पूल वगैरह एंजॉय करना है, यहाँ पर मील वगैरह जो मतलब विदाउट रूम अगर आपको जो है टिम्बर गार्डन रिसोर्ट में आना तो उसकी प्राइस है, एक है 750 रुपये और एक है 850 रुपये। तो 750 में आपको मिलेगी एक वेलकम ड्रिंक मिलेगी, एक मील मिलेगा, कोई सा मील हो सकता है वो, या लंच हो सकता है या डिनर हो सकता है जो आपकी इच्छा हो। और इसमें पूल, जो पूल मिलेगा आपको, रेन डांस मिलेगा वो आपको मिलेगा। और इसमें 850 में जो है इसमें आ जाएगा स्टार्टर ऐड हो जाएगा, बाकी जो है ड्रिंक वेलकम ड्रिंक आपकी रहेगी, मील रहेगा और ऑल अदर एक्टिविटीज़ रहेगी। तो ये प्राइस का यहाँ पर है और मैं इसका जो यहाँ पे मेरे को यहाँ के मैनेजर ने यहाँ पे आपको पूरा मेरे को एस्टिमेट बना के दिया, इसकी फ़ोटो भी मैं आपको डाल दूँगा। 3000 रुपये से स्टार्टिंग और जो भी प्राइजेज हैं वो फिक्स नहीं है, प्राइस वेरी भी कर सकती है। अप्रोक्स प्राइस मैं आपको जो बता रहा हूँ, स्विस टेंट की 3500 रुपये, ग्रीक टेंट 4000 रुपये, मोरक्को टेंट 5000 रुपये, विला रूम 3000 रुपये। तो ये सारा प्राइस का एस्टिमेट है। तो आप कभी भी आएँ तो यहाँ पे नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 7300474374 एक ये नंबर है और एक 8300225023 आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं इसका भी नंबर का भी जो स्क्रीनशॉट है आपकी स्क्रीन पर मैं डाल दूंगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आती है तो लाल कलर का बटन दबा के चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए शेयर और लाइक। जो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वीडियो को देख सके और अपने फैमिली मेंबर, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उसको टिम्बर गार्डन जो रिसोर्ट है उसकी जगह का पता लग सके, आप कैसे पहुंच सकते हैं। मैं गूगल मैप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ऑल डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों यदि अभी आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी कर लीजिए फॉलो, ताकि आपको मेरे रो अपडेट रहते हैं, जो डेली टू डेली लाइफ के अपडेट रहते हैं वो आपको वहाँ पे देखने को मिल सके। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।